हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विदुषी है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम साइकोथेरेपी के बारे में बात करेंगे, मोर स्पेसिफिकली सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में। तो साइकोथेरेपी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसमें हम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करके पेशेंट्स के इमोशनल डिस्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। साइकोथेरेपी में हम पेशेंट्स के थॉट्स, बिहेवियर पैटर्न्स और उनके इमोशंस को समझने में मदद करते हैं, जिससे कि लाइफ में आने वाली परेशानियों और मुश्किलों से वे आसानी से सामना कर सकें। साइकोथेरेपी कई तरह की होती है, लेकिन इस वीडियो में हम सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पर फोकस करेंगे। तो आइए सीबीटी को समझते हैं एक केस का उदाहरण लेकर। मान लीजिए कि राहुल एक काल्पनिक नाम है। राहुल का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हाल ही में ब्रेकअप हो जाता है। राहुल उदासी में डूब जाता है, भविष्य को लेकर निराश हो जाता है, लोगों से बातचीत करना कम कर देता है और खाना पीना में भी उसकी रुचि कम हो जाती है। ये सारे लक्षण डिप्रेशन की ओर संकेत दे रहे हैं। राहुल के दिमाग में शायद ये विचार घूम रहे होंगे कि मैं बेकार हूँ, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इन्हें ऑटोमैटिक नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, यानी वैसे नकारात्मक विचार जो दिमाग में अपने आप ही आ जाते हैं और भावनाओं पर हावी हो जाते हैं। राहुल के इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। राहुल उदास महसूस करने लगता है। राहुल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जो राहुल हंसना खेलना, लोगों से बातचीत करना पसंद करता था, वो अब अकेले रहने लगता है और राहुल में कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि राहुल जल्दी थकने लगता है और शरीर भारी लगने लगता है। तो ये ANTs यानी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स राहुल के इमोशंस, बिहेवियर और फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। अगर गहराई में जाए तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो है राहुल के कुछ गहरे मान्यताओं या विश्वासों से जुड़े हो सकते हैं, जिन्हें कोर बिलीव्स कहते हैं। कोर बिलीव्स उन गहरे मान्यताओं को कहते हैं जो हमारे बचपन, संस्कृति, समाज और अनुभवों के आधार पर बनते हैं। राहुल को बचपन में हो सकता है कि लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा हो, या फिर उसे माता पिता का पर्याप्त प्यार और स्नेह ना मिला हो, जिस कारण उसके अवचेतन में नकारात्मक विचार जैसे मैं प्यार पाने के लायक नहीं हूँ, मैं खुश रहने का हकदार नहीं हूँ, इस तरह के नेगेटिव विचार उसके अवचेतन में बैठे हुए हो। तो ये कोर बिलीव्स जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्ट्रेसर आता है, जैसे इस केस में ब्रेकअप का होना, तो ये कोर बिलीव्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की तरह दिमाग में आने लगते हैं। डिप्रेशन में ये नेगेटिव विचार बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं और पेशेंट इनके यूज टू हो जाते हैं और इन्हें सही मानने लगते हैं, तो जिस कारण से इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीबीटी में हम पेशेंट्स को इसलिए पहले इमोशंस पहचानने को बोला जाता है क्योंकि इमोशंस पहचानना आसान होता है। हमारा मूड कब खराब हुआ, हम कब उदास हुए, यह बताना आसान होता है, और फिर उससे पहले जो विचार आया उसे पहचानने कहा जाता है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स पकड़ में आने लगते हैं। तो इसके लिए पेशेंट्स को एक थॉट डायरी मेंटेन करने को कहा जाता है, जिसमें कि पहला कॉलम टाइम का होता है, दूसरा कॉलम मूड का होता है कि उस समय मूड कैसा था, और मूड को ग्रेड करने के लिए 1 to 10 का स्केल यूज किया जाता है। 1 मतलब सबसे अच्छा मूड और 10 मतलब सबसे बुरा मूड। और तीसरा कॉलम होता है सिचुएशन का, यानी कि उस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और चौथा कॉलम होता है थॉट का, जिसमें कि अपने विचारों को लिखा जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं।
वही राहुल जिसका अभी ब्रेकअप हुआ है, वह 11 से 12 के बीच में एक कैफे में बैठा हुआ था। वहां उसके बहुत सारे दोस्त भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए थे और वह अकेला था। तब वह उदासी महसूस करने लगा। उसने अपनी उदासी को ग्रेड 8 दिया और उसके बाद उससे पूछा गया कि उस समय उसके दिमाग में क्या विचार आ रहे थे। तो उसने सोच कर कहा कि उसके दिमाग में आ रहा था कि मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं अकेला ही रह जाऊंगा। तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स पकड़ में आ गए। अब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचानने के बाद हम पेशेंट्स को इनका विश्लेषण करना सिखाएंगे, इसे इवैल्यूएट करना सिखाएंगे। तो इवैल्यूएट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि इस ख्याल के सपोर्ट में क्या क्या बातें हैं, इसके फेवर में क्या क्या बातें हैं। तो राहुल ने सोचकर जवाब दिया कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई है, यह बात इसके फेवर में है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या बातें हैं जो इसके अगेंस्ट है, राहुल के ख्याल के अगेंस्ट है। तो राहुल ने बहुत सोचकर कहा कि राहुल के बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, उसके परिवार वालों रिश्तेदारों से उसे बहुत प्यार मिलता है। तो राहुल एक अपने आप को ऐसा इंसान मानता है जो कि रिलेशनशिप बनाने और निभाने के काबिल है। तो यह बात इसके अगेंस्ट जाती है। हम तीसरा क्वेश्चन यह पूछेंगे कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी है उस ख्याल का, उस सिचुएशन का, या फिर कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है। तो राहुल ने सोच कर कहा कि हाँ, हो सकता है कि ये ब्रेकअप जो है ये इसलिए हुआ हो क्योंकि हम दोनों कंपैटिबल नहीं थे, या हो सकता है कि उसकी फैमिली ऑब्लिगेशंस के कारण ये ब्रेकअप हुआ हो। फिर हम चौथा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है इस सिचुएशन में, सबसे वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है इस सिचुएशन में, और सबसे रियलिस्टिक आउटकम क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ के होने की संभावना है। तो राहुल ने कहा कि बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि मुझे हमेशा प्यार मिलता रहे, और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि मुझे कभी प्यार ना मिले। और रियलिस्टिक सिनेरियो राहुल ने सोच कर बताया कि ये रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि लाइफ में कभी कभी प्यार मिलेगा और कभी अकेलापन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये बातें जब पेशेंट खुद बोलता है, अपने मुंह से बोलता है, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं इसके कंपैरिजन की कोई पेशेंट को ये बातें समझाए। तो CBT में हमने देखा कि कैसे हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचानते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं। तो यह याद रखना भी ज़रूरी है कि CBT के साथ साथ दवाइयों का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर डिप्रेशन माइल्ड है तो हम सिर्फ CBT से डिप्रेशन को ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर है तो दवाइयों का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है CBT के साथ साथ। CBT आप खुद भी सीख कर अपने आप पर अप्लाई कर सकते हैं अगर डिप्रेशन माइल्ड हो तो, लेकिन अगर सीवियर टू मॉडरेट डिप्रेशन हो तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना ही बेहतर माना जाता है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि डिप्रेशन के बारे में अवेयरनेस और बढ़े। थैंक यू।